प्रिय दर्शकों, अगर आप प्राचीन भारत का दिव्य दर्शन करना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल फैशन दिव्य दर्शन के साथ। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आज हम श्री राधा पल्लव मंदिर का दर्शन करेंगे। यह मंदिर हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के वृंदावन शहर में स्थित है। तो आइए दर्शन करते हैं। श्री राधा बल्लभ मंदिर बेहद पवित्र, दिव्य, बेहद प्राचीन, प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के बीच निर्दोष प्रेम का प्रतीक है, जिसे अक्सर रस भक्ति का सबसे दुर्लभ रूप माना जाता है। यह राधा बल्लभ संप्रदाय का मुख्य मंदिर है और इस विचारधारा का पालन करता है कि राधा रानी सर्वोच्च देवत्व है। पुराने मंदिर की संरचना, जिसे अब हित मंदिर के रूप में जाना जाता है, का निर्माण 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में सुंदरदास भटनागर द्वारा गोस्वामी हित हरिवंश महाप्रभु के शाही अनुदान और आशीर्वाद से किया गया था, जो राधा बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। इस दिव्य मंदिर की प्रमुख देवी श्री राधा रानी हैं, लेकिन मंदिर में देवी की कोई भी प्रतिमा नहीं मिल सकती है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों की मूर्ति मानी जाती हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि उनके दो अलग अलग शरीर हैं, लेकिन एक आत्मा से एकजुट है। राधा बल्लभ एक में भगवान कृष्ण और देवी राधा को संदर्भित करता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री राधा बल्लभ जी की प्रतिमा भगवान शिव द्वारा श्री आत्मदेव मानव के पूर्वज को उनकी भक्ति के लिए दी गई थी। बाद में उसी प्रतिमा को श्री हित हरिवंश महाप्रभु को सौंप दिया गया, जिन्होंने इसे यमुना नदी के तट पर ऊंची ठौर या ऊंची चट्टान पर रखा था। श्री राधा बल्लभ मंदिर की पुरानी संरचना एक संरक्षित स्मारक है और इसकी वास्तुकला धर्म और विश्वासों में सद्भाव की भावना प्रकट करती है। यह मुगल स्थापत्य शैली के साथ मिश्रित हिंदू स्थापत्य शैली के कुछ उदाहरणों में से एक है। सदियों पुरानी परंपराएं और विरासत इस राधा बल्लभ मंदिर को वृंदावन में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक बनाती है। अद्वितीय भव्यता और आस्था के साथ यहाँ हर साल आयोजित होने वाले कई दिव्य त्यौहार मनाए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री राधा बल्लभ मंदिर की दर्शन करके मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। आप भी यहाँ दर्शन को आएं और दिव्य दर्शन पाकर मन में अपार शांति और हृदय में संपूर्ण संतुष्टि को प्राप्त करें। प्रिय दर्शकों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपके प्यार भरे सहयोग के लिए।